टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के न्यूज बुलेटिन का आगाज हम उस अहम खबर से करते हैं जिसके मुताबिक इंडिया के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एएनआई के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि अरब अमारात की हुकूमत जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के मंसूबे बना रही है। Heartening pictures coming out of Kashmir of people going out, there's music, there's lighting and at the Dal Lake, there's so much activity, happy activity going on in Kashmir. Do you see investment coming in? Because though there have been so much of talk about investments coming into the state, in real terms there isn't that much of economic activity that one would hope for, or the pace that one would hope for. Do you see international interest at all in Kashmir? Madam, at the outset, all the tourists who go there, all the people who are working there, I would urge you to go and talk to them. After all, when the tourist goes there, he spends on taxis, on horse rides at the Dal Lake, on the Shikara, shopping on the Shikaras at the Dal Lake, which was such a joyful experience, going around the lovely valley in Kashmir and in Jammu, going to Vaishno Devi and without any fear. And all of this is providing economic impetus to the state. We have recently announced the industrial policy, and the Honorable Home Minister launched the registration portal only last month. And we are seeing a lot of interest. People who have approached the state, the Union Territory Administration for land and other facilities, and the kind of enthusiasm we are seeing all around is truly infectious. And I can only share with you as a little peak review that you're soon going to hear some good news from the United Arab Emirates also when it comes to investments in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir mein faslon ki katai ka season shuru ho chuka hai. Director Agriculture Department Chaudhary Mohammad Iqbal ke mutabik is baras faslon ki katai ki surat-e-haal pichle saal se bhi behtar hai. हमने किसानों के साथ मिल के पैडी ट्रांसप्लांटिंग डे मनाया था। वो सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से मनाया था कि 21 जून से पहले जिस पैडी की ट्रांसप्लांटिंग कश्मीर में अगर हो जाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो जो उसका अल्टीमेट पोटेंशियल होता है उससे कम नहीं होता है। उस 21 जून के बाद जो जो भी ट्रांसप्लांटिंग डिले होती चलेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो घटते जाते हैं। तो हमारी इस छोटी सी पहल से और आप सब लोगों के तावन से और ख़ासकर फार्मर के तावन से हमारी वो जो कम्पेन थी वो एक मिशन मोड में जब स्टार्ट होगी तो ऑलमोस्ट 99% जो हमारा एरिया था वो 21 जून से पहले सारे का सारा ट्रांसप्लांट हो गया। कुछ दो तीन जगहों पे हम लोगों को दिक्कत आई जहाँ पे के हमारे जो मेन इरिगेशन कैनाल्स थे वहाँ पे वो जो 1% एरिया मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 2-4 दिन का डिले हुआ, लेकिन अल्लाह का ये फजल रहा कि इस साल बारिशें वक्तन फवक्तन होती रहीं, बीच में टेम्परेचर गर्म भी हुआ, लेकिन जितनी अच्छी पैडी की क्रॉप मैंने अक्रॉस द वैली तमाम 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों का एक एक्सटेंसिव टूरिंग की कि इस वक्त पैडी जो है वो मेजॉरिटी स्टेज पे है और हर डिस्ट्रिक्ट में पैडी की जो क्रॉप है वो पिछले सालों के मुकाबले में अच्छी फसल है। खुदा ताला का कि इस साल मौसम भी अच्छा रहा, धूप भी अच्छी रही और फसल भी अच्छा रहा। मतलब कि हमारा जो ये मतलब ज़मीन है इसी पर सब कुछ है हमारा, चाहे इस साल फसल भी अच्छा है हमारा।
तो शुक्र, कब से आप लोगों ने इसका मतलब ये जो शाली काटना शुरू कर दिया, अभी कितने देर तक चलेगा? यही 10-12 दिन तक चलेगा सर। तो बहुत सारे लोगों पर इसका रोजगार बनता है? जी सर, मजदूर तबका है सर, बाहर से लोग भी आते हैं, वो भी काटते हैं सर, उनका भी रोजगार चलता है सर। चौराहों और सड़कों को खूबसूरत बनाने की खातिर नौजवान तालिब इल्म अपनी सिविक ड्यूटी को भरपूर अंदाज के साथ निभा रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं होती, बल्कि इनके इर्द गिर्द ऐसी फिजा होनी चाहिए जिससे सयाहों और शहरियों को एहसास हो कि ये शहर कितना सुंदर है। तलबा ने श्रीनगर को भी एक ऐसा शहर बनाने का अज़्म कर रखा है। एक्चुअली एक प्लेस मेकिंग इवेंट है, आपको पता है इस जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का वो महाउत्सव मना रहे हैं, तो उसमें ये इवेंट जो है ये जो ये एरिया है ये डेजिग्नेट किया गया एज ए पब्लिक प्लेस। तो इसी प्लेस मेकिंग एक इवेंट है, ये हमने स्पॉन्सर किया है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि ये इसमें जो अभी आप देख रहे हैं जो काम हो रहा है, ये जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर्स हैं, दो हैं हमारे, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है और इस्लामिक यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, उनके जो बच्चे हैं वो उन्होंने डिज़ाइन किया है और वो खुद ही कर रहे हैं इसको, जैसे आपने ऑलरेडी नोटिस किया होगा। तो इस जगह पे वो तरह तरह के ना पैटर्न्स बनाएंगे और कुछ प्लांट्स भी लगाएंगे और कुछ चीज़ें और भी इंस्टॉल करेंगे। अर्बन स्केल पे एक प्लेस मेकिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ कश्मीर में हमारे यहाँ पब्लिक स्पेसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कम है, जो यहाँ पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, और जो है भी वो इंक्लूसिव नहीं है सब एज ग्रुप्स के लिए, सब जेंडर्स के लिए। तो अर्बन प्लेस मेकिंग में क्या होता है, जो आपके बिजी पॉइंट्स होते हैं, जंक्शंस होते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी जो सिटी है इट इज़ नॉट जस्ट फॉर व्हीकल्स। तो जो पेडेस्ट्रियन है, अगर कोई कहीं रेस्ट करना चाहे, एज सच बैठना चाहे, बैठ के कहीं अपना काम करना चाहे, उसके लिए भी आपको स्पेस देनी है अपनी सिटी में। तो अर्बन प्लेस मेकिंग में हम यही कर रहे हैं कि हमने एक जंक्शन लिया है जो शेर कश्मीर पार्क के पास वाला जंक्शन है, जो ये स्ट्रीमलाइन करेगा ट्रैफिक का फ्लो, और सेंटर में जो है एक प्लाजा जैसा बनता है, जहाँ पर हमने पेंटिंग के ज़रिए, कुछ इंस्टॉलेशंस के ज़रिए, इंस्टॉलेशंस भी हमारी अपसाइकलिंग की है, हमने वेस्ट मटेरियल्स जो है उनको रीयूज़ किया है, अपसाइकल किया है, थोड़ा पेंट करके, थोड़ी मरम्मत करके हम उनको एज इंस्टॉलेशंस यूज़ कर रहे हैं। ये सारे जो है हमारे जो SMC डिपार्टमेंट या SDA डिपार्टमेंट है, उनके यार्ड्स में पड़ा हुआ सामान था, तो उसको कलेक्ट करके हम इनको यहाँ पर जो है एक इंस्टॉलेशन बना रहे, जो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनेगा पब्लिक के लिए। सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक। जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट फिशरीज ने इलाके के नौजवानों को फिश फार्म्स के कारोबार चलाने की खातिर
तरबियत देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस मद में एक खसूसी रिपोर्ट देखें। एक साल से घर में था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक फिशरीज डिपार्टमेंट से मैं मिला, वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप तो घर में बेकार हो, अभी आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, आप फिशरीज पॉइंट स्टार्ट करो, आप देखो क्या होता है इसमें। अब मैंने किया है चार महीने, अभी मेरे को हो गए 5 महीने। मैंने 50,000 में माल लाया था, 5,000 मैंने लाया था, 5,000 सीड अभी लगभग तैयार होने को है। अभी मैंने 50,000 में सीड लाया था, अभी 2.5 लाख में मैंने फीड लाई थी, लगभग 2 लाख इसमें खर्चा हुआ। अभी जो मैं देख रहा हूँ, 1 महीने के बाद मुझे लग रहा है 7-8 लाख रुपया जनरेट होगी इससे। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इसमें आए, फिशरीज डिपार्टमेंट से ताउन रखे और ये स्टार्ट कीजिए। जम्मू कश्मीर में भारत की 75 साल आज़ादी मनाने की तैयारियां हर गली कूचे और कस्बे गांव में हो रही हैं। इस सिलसिला में दूध पत्री के मकाम पर इंडियन आर्मी ने एक फेस्टिवल का एहतमाम किया। इस रंगारंग फेस्टिवल का हवाल देखिए। पिछले साल यही प्रोग्राम हमने युसमग में करा था और दूधा पथरी रह गया था। इस बार हमने कोशिश करी कि इस बार दूधा पथरी में करें, ताकि यहाँ पे इसकी जो एक वैल्यू है, इसकी जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काम व्यवसाय के लिए थोड़ा सा एक डायवर्जन भी हो, लोग यहाँ भी आए।
आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।